hello everyone today i am going to cover part fourth of our super mcq series which is based on william wordsworth this is part fourth and we have already uploaded part 1 2 and third uh, to know all about uh, which i have mentioned in previous videos please watch that videos and be updated and also join our telegram channel to get pdf so without delay let's start mcq number 81 प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्सवर्थ इज टू गिव हिस्स रीडर वॉटरी फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्स इज टू गि रीडर प्राइमरी फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन जो है पोइट्री का वो वर्षवर्थ के अकॉर्डिंग अपने रीडर्स को क्या देता है सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वो देता है प्लीज ये आपको याद रखना है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर एटी टू अकॉर्डिंग टू वर्ड्स वर्थ वॉट इज नॉट असेंशियल टू पोइट्री वर्ड्स वर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री के लिए क्या चीज असेंशियल नहीं है मीटर इमेजिनेशन टैलेंट या टाइम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीटर इज नॉट असेंशियल टू पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्स वर्थ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन In what phase is the lyrical ballads different from much of the poetry that was popular when it was published? Read the options. In what phase is the lyrical ballad different from much of the poetry that was popular when it was published? Correct answer will be option number A. It features poems that focus on nature and rural community. ये आपको याद रखना है लिरिकल बेलाट्स को जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था एट तो था वो था एटीन हंड्रेड यह आपको याद रखना है लिरिकल बेलाट जो फर्स्ट पोयम है वो लिखी है एस टी कॉलिज ने जिसका नाम है द राइम ऑफ द एनसीए मैनिनर और जो लास्ट पोयम है लिरिकल की वो लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा जिसका नाम है टिनटर्न एबे इसको आप लर्न रखें इसके बाद देखते हैं नंबर एट्टी फोर द लिरिकल ब वेरी लैंग्वेज ऑफ नंबर सी मैन सो द पोयम वेरी इजीली इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर एट्टी फाइव वास प्राइमरीली वर्षवत क्या थे सबसे पहले तो वर्षवत क्या है वो क्रिटिक है पोइट है फिलोसफर है, है तो वर्षवत वो क्या थे

The above. The answer is correct. Prelude का जो अदर नाम है वो है ग्रोथ पोइट्स माइंड ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इसको लिखा गया है किसमें ब्लैक के अंदर अच्छा ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है यह आप जाने ब्लैक वर्ड होती है अनराइम्ड क्या होती है अनराइम्ड और लिखी हुई होती है आई एम्बिक पेंटामीटर के अंदर ब्लैक वर्ड क्या होती है अनराइम्ड होती है लिखी जाती है आई एम्बिक पेंटामीटर के अंदर प्रिल्यूड को पब्लिश किया गया था एटीन फिफ्टी में पब्लिश किया गया था 1850 में इनकी डेथ के विलियम की डेथ के थ्री मंथ के बाद इनकी वाइफ जो मैरी है उन्होंने पब्लिश पब्लिश किया गया था, किया था था किस नाम से प्रलूड के नाम से इससे पहले यानी कि के, के नाम से इनकी वाइफ ने पब्लिश किया था तो इससे पहले का नाम था इससे पहले नाम था पोएम टू कॉलरिज का नाम था पोयम टू कॉलरिज ये आपको लर्न रखना है इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर एट्टी सेवन टू वर्ड्स वर्थ पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इमोशन रिकलेक्टेड इन क्या डेफिनेशन है इसकी रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी ऑप्शन नंबर बी चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर एट्टी एट विच ऑफ पोएट्स रोट अ पोएम एंड टाइटल प्रिल्यूट जाएगा इनमें से किस पोएस नाम की जो पोयम है वो लिखी है विल बी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टी एस इलियट ने लिखी अब समझे दिल्यूड नाम से जो बुक आई है वो पब्लिश हुई है बुक है वो लिखी है विलियम वर्ड्स ने और प्रूड्स नाम से लिखी है किसने टी एस इलियट ने टी एस इलियट ने प्रब्लिश किया था वो किया था नाइनटीन सेवनटीन के अंदर टी एस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट क्या है थॉमस थॉमसट इलियट थॉमस इलियट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी याद कर लें आप एक बार 1888 इनकी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ ईयर मतलब और 1965 में इनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी ये आप याद रख लें साथ ही साथ विलियम वर्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को भी याद रख लें सेवन अप्रैल सेवन सेवनटीन में ये जन्म डेट है इनकी और ट्वेंटी थ्री अप्रैल फिफ्टी मैन की डेथ हो गई थी ठीक है इसको याद रखें इसके बाद है नंबर एट्टी नाइन फंक्शन ऑफ दोइ्री इज टू गि वर्षवर्थ के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है पोइट्री का वो क्या देना है या है। पोयट्री का काम क्या है प्लेजर देना है इसके बाद देखते हैं हम नंबर अमंग द फॉलोइंग विच रिलीजियन इज एलियोरी टू इन द दिलूड क्या चीज जो है मेंशन की गई है? क्या चीज बताई गई है प्रिलूड के अंदर कौन से किस रिलीजन को पे मेंशन किया गया है इस्लाम को क्रिस्चियनिटी को बुद्धिज्म को या जुडाइज्म को तो ये तो आप समझ गए होंगे ये क्रिश्चियन थे तो क्रिस्चियनिटी तो को ही मेंशन करेंगे ठीक है और वैसे प्रिलूड्स में इनके बचपन को मेंशन किया गया है तो ये आपको इतना तो लर्न कर लेना है ठीक है एलियो टू का मतलब होता है स्पीक अबाउट समथिंग और समबड़ी कब पब्लिश किया गया था और किसने किया था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसके बाद देखते हैं नंबर नाइनटी वन जॉन वर्ट्सवर्थ बोर्न इन अच्छा ये समझे जॉन वर्ट जॉन वर्ट्सवर्थ जो है उनका जन्म जो है वो डोरोथी के बाद हुआ है जो विलियम वर्ट्सवर्थ की सिस्टर है हु वेंट टू सी वो सी में गए थे और शिप्रैक हो गया था क्या हो गया था शिप रैप यानी समुद्र की लहरों में कहीं अटका गया या किसी टक्कर से वो शिप जो है इनका डूब गया था इनके भाई का किसका जॉन और वो उसकी वहां डेथ हो गई थी पूछा गया वो कब मरा था 91 का जो आंसर है वो है 1805 ऑप्शन नंबर सी 1805 में एक शिप रैप में इनके भाई की डेथ हो गई थी और इसी वजह से विलियम वर्ट्सवर्थ ने जो प्रिलूड को कम्प्लीट किया था वो एटीन फाइव में कम्प्लीट कर लिया था और अपने भाई की दुख की वजह से वो अपनी बुक को पब्लिश नहीं करा पाए क्योंकि भाई से वो काफी अटैच थे वो भी अपने भाई से भी तो इस सदमे में वो अटैच वो पब्लिश नहीं करा पाए अपनी बुक को सदमे में रहते हैं कहाँ बुक पब्लिश हो रही है इस टाइम पर हुज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज विलियम वर्ट्स फादर पूछा गया कि विलियम वर्ट्स के जो फादर हैं वो किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे वो आपको बताना है वॉट विल करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जेम्स लूथर जेम्स लूथर के क्या थे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होना होता है वो लॉयर थे एक क्या थे लॉयर थे कौन इनके फादर अच्छा एक बार बताइए अगर आप जानते हो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि इनके फादर का नेम क्या था विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नेम नंबर नाइनटी थ्री टाइम ऑफ अ डे दैट इज नॉट इनक्लूडेड इन पिल्यूड इज जो पूरी प्रे उसमें कौन सा टाइम मेन्शन नहीं है ऑप्शन नंबर डी जो मिड डे है वो मेन्शन नहीं है आफ्टरनून भी है डाउन भी है इवनिंग भी है ये सब चीजें मेन्शन है नंबर नाइनटी फोर लिल्स ओपन विद्रिच लॉन्ग पोएंग एंशियन मैरिनर से स्टार्ट होती है और जो खत्म होती है वो वर्ष वर्थ की किस फॉर्म से होती है वो आपको बताना है एंड आई थिंक आई है डी टिंटर्न एबी ठीक है टिंटर्न एबी जो लास्ट पॉइंट है इसको इन्होंने नाइन, एट में ही लिखा था ये आप याद रखें। बात करते हैं वर्ल्ड इज टू मत दस की तो वर्ल्ड इज टू मत जो है वो एक सोनेट है क्या है ये एक सोनेट है जिसको कंपोज किया गया था 1807 के अंदर पब्लिश किया गया था इसको 1807 के अंदर ही पोयम्स इन टू वॉल्यूम के अंदर बात कर लेते हैं टेबल टर्न की तो टेबल टर्न को लिखा गया था 1798 के अंदर ठीक है बात कर लेते हैं डेफोडिल की डेफोडिल्स डेफोडिल्स को हम आई लोनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जानते हैं इसको कंपोज किया गया था 1802 के अंदर और पब्लिश किया गया था इसको 1807 में पोयम्स इन टू वॉल्यूम के अंदर ये सभी चीजें आपको लर्न रखनी चाहिए ओके okay? इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर 95 कंप्लीट द लाइन ऑफ टेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ यानी के ये लाइन फिलअप करनी है आपको ओह देयर इज अ ब्लैसिंग इन द जेंटल डैश दिस लाइन अपियर्स इन द प्रिल्यूड यानी कि ये लाइन जो है प्रिल्यूड आई है यहां पे क्या आएगा ओह देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज ब्रीज यहां पर आएगा प्रिल्यूड प्रिल्यूड की को मैं काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैग्नम ओपस है विलियम वर्डवर्थ का 1850 में इसको पब्लिश किया गया है ये आप सुन सुन के मुझसे बोर हो गया काफी ठीक है सो so, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए के प्रिल्यूड को जब विलियम वर्ट्सवर्थ ने 1805 में लिख लिया था तो उस टाइम पर कितनी बुक्स थी ठीक है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो है तो प्लीज लाइक कर दीजिए होपिंग दैट वीडियो आपको पसंद आ रही होगी अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें अपना रिव्यू दीजिए कि वीडियो में हम क्या चीज ऐसी है जो बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको वीडियो हमारी और इन्फॉर्मेटिव या और क्वालिटेटिव वीडियो हमारी बन जाए अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि वीडियो आपको किस टॉपिक पर और चाहिए या हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रिव्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो रिव्यू आप जरूर दें और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर नाइनटी सिक्स फिल द गैप द एंटी चेपल वेयर स्टूड ऑफ डैश विद एंडलेंट फेस दीज लाइन अपियर इन दिलूड फिल द गैप करना है फिल द गैप दर दू स्टूड ऑफ डैश यानी किसका स्टेचू किसका स्टेचू को मैं जिसका साइलेंट फेस है तो जो करेक्ट आंसर है यहां पर वो होना चाहिए नंबर डी डी ये न्यूटन ठीक है इसको लर्न कर ले इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज नंबर नाइनटी सेवन वर्षवत मूव्ड ऑन इन डैश टू सेंट जोन कॉलेज कैम्ब्रिज पूछा गया कि वर्षवत जो है जो सेंट जोन कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहां पर कब गए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेवनटीन एट्टी सेवन में वहां पर ये गए थे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर नाइनटी एट वर्षवत ओनली लॉरियट टू राइट वो अकेले ओनली यानी अकेले ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने लिखी है क्या लिखी है ओनली थ्री वर्सेस ओनली नाइन वर्सेस नो ऑफिशियल वर्सेस या ओनली वन वर्स एज ए पॉइंट लॉरियट वो क्या है लिखने वाले करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जब आप पोयट्रोट बन जाते हैं तो आपको ऑफिशियल वर्क ऑफिशियल पोएम्स वगैरह लिखनी पड़ती हैं गवर्नमेंट के लिए तो वो उन्होंने एक भी नहीं लिखी और इसी बात को लेकर जो आ, ब्राउनिंग थे ब्राउनिंग ने इनको कहा था लॉस्ट लीडर कि क्या है इन्होंने कुछ सिल्वर के नहीं कुछ मेडल वगैरह के नहीं अपने आप को बेच दिया है लॉस्ट हो गए इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है किसके लिए गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल कुछ भी वर्ष नहीं लिखे लेकिन पोय नहीं लिखी है पोएट लॉरियट जो बने थे बने थे ये 1843 में कब कब तक तक रहे तक रहे अपनी डेथ डेथ हुई थी 1850 के अंदर थी। इनसे पहले थे रॉबर्ट साउथी ठीक है और इनके बाद कौन थे अल्फ्रेड टेनिसन थे अल्फ्रेड टेनिसन 1850 में 1850 में बन गए थे और ये भी अपने डेथ तक 1892 तक क्या रहे थे ये पोएट लॉरियट रहे थे अल्फ्रेड टेनिसन

रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था तो ये तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेरिकल बेलाट्स लेरिकल बेलाट्स पब्लिश कब हुआ था 1798 में तो 1798 से ही से तो जो रोमांटिक पीरियड है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है इसका जो फर्स्ट एडिशन तो सेवनटी नाइनटी एट में आया था फर्स्ट एडिशन उसमें ट्वेंटी थ्री पोयम्स थी कितनी पोयम्स थी ट्वेंटी थ्री थी वर्ड्स वर्थ ने कितनी थी? 19 लिखी थी नाइनटीन लिखी थी कॉलेज ने कितनी लिखी थी फोर लिखी थी ये आपको याद रखना है लास्ट जो पोयम थी वो थी वर्ड्स की कौन सी टिंटन एबे इसका पूरा नाम है लाइंस रिटन अब टिंटन एबे और जो फर्स्ट पोयम थी वो थी एसटी कॉलेज के दी राइम ऑफ द एंसियंट मैरिनर ये आपको याद रखना है सो so फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने एम सी की उसके कॉल करेंगे इस तरह हमने हंड्रेड एमसी को कॉल कर लिया हैं अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और अपना रिव्यू आप हमें जरूर देंगे वीडियो आपको कैसी लगी है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में तब तक अपना ध्यान रखें थैंक यू सो मच